हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स पोएम का, जो कि विच वाज कंपोज्ड बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन. एज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, इट वाज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ ग्रेट इरिश पोएट डब्ल्यू बी यीट्स इन जनवरी 1939. होता क्या है कि डब्ल्यू बी यीट्स की डेथ हो जाती है जनवरी में, और उसकी मेमोरी में ये पोएम ऑर्डन लिखता है. और यीट्स था कौन? यीट्स इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ 20th सेंचुरी. एक बहुत महान पोइट थे 20th सेंचुरी के. ऑर्डन क्यों लिखता है? ही हेल्ड हाई ओपिनियन ऑफ हिम एंड दिस एलिजी वॉज कम्पोज टू एक्सप्रेस हिज ट्रिब्यूट टू द ग्रेट पोइट. अपना एक ट्रिब्यूट, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए वो ये पोएम लिखता है. फिर अब इसमें देखते हैं पोएम में होता क्या है. When W.B. Yeats died, it was the month of January 1939. So, Auden begins the elegy by pointing out that Yeats died on a day when it was a bitter cold. है ना, जब ये शुरू करता है poem, तो शुरू यहीं से करता है कि बहुत ज़्यादा उस दिन सर्दी थी. He disappeared in the dead of winter. मतलब वो डेड विंटर में, डेड विंटर मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड था, उस समय बहुत ज़्यादा ठंड था है ना. द ब्रुक्स वर फ्रोजन, द एयरपोर्ट्स आलमोस्ट डेजर्टेड. जो ब्रुक्स थे, झरने वगैरह, वो सब जम गए थे, फ्रोजन हो गए थे. एयरपोर्ट्स आलमोस्ट डेजर्टेड हो गए थे. नोबडी वाज गोइंग आउट बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर. एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज. और जो स्नो थी, उसने पब्लिक जो स्टैचूज बने हुए थे उनको डिसफिगर कर दिया था. उनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्नो गिर गई थी कि वो डिसफिगर हो गए थे. द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे. डाइंग डे में देखिए एलिट्रेशन है. मैं आपको साथ साथ में लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी बताती जाऊँगी. मर्करी सैंक, मर्करी का मीन्स क्या है यहाँ पर? देर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर. बैरोमीटर होता है एक, है ना, उसमें उससे जब हम वेदर की कंडीशंस के बारे में नापते हैं, पता लगाते हैं, तो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो था उसमें जो मर्करी जो था वो पूरी तरह से सेंक हो गई थी, है ना, वो पूरी तरह से डाउन हो गई थी. इतनी ज़्यादा बिटर कोल्ड था उस समय. दैट डे वॉज अ बिटर कोल्ड डे. हाँ, ऑल मर्कर, द मर्करी सेंक इन टू द माउथ. ओके, हाँ, इन टू द माउथ, ये हो गया. हाँ, माउथ ऑफ द डाइंग डे. अब देखिए यहाँ पर डे का भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि माउथ इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी ना, माउथ ह्यूमन्स के होते हैं, तो यहाँ डे का पर्सोनिफिकेशन है. ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट एग्री, मतलब सभी इंस्ट्रूमेंट, जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट से विथ रिगॉर्ड वेदर कंडीशंस, वो सभी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये बोला जा रहा था. इट मीन्स दे ऑल वर एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे. कि उसके डेथ का दिन एक डार्क कोल्ड डे था, है ना, उसकी डेथ का दिन डार्क कोल्ड डे था. डार्क था और एकदम ठंडा दिन था. फार फॉर फ्रॉम हिज इलनेस द वुल्व्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब यहाँ वो क्या बताना चाह रहा है कि द पोएट वाज इल. यीट्स तो इल था, बीमार था, अपनी बीमारी के कारण वो सबसे दूर था. बट द अदर एक्टिविटीज़ वर कंटिन्यू, अदर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू हो रही थी. जैसे कि वुल्व्स जो थे वो रैन थ्रू द एवरग्रीन, वो देयर यूजुअल एक्टिविटीज़ इन फॉरेस्ट वर कंटिन्यू. वुल्व्स जो थे वो फॉरेस्ट में रन कर रहे थे. द पीजेंट रिवर वॉज अनटेम्प्ड बाय द फैशनेबल क्वेज. क्वेज होते जो रिवर बैंक्स होते हैं, घाट होते हैं, और जो रिवर था वहाँ पर वो अनटेम्प्ड था, मतलब अनअट्रैक्टेड था, उनसे वो अट्रैक्टेड नहीं था. जो मॉडर्न फैशनेबल घाट बने हुए थे, बैंक्स बने हुए थे रिवर पे, रिवर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. इट वॉज कंटिन्यू फ्लोइंग, वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा था बाई मॉर्निंग टंग्स. मॉर्निंग टंग्स का मीन्स यहाँ है कि जो रोने वाले मॉर्नर्स थे वहाँ पर, उनसे भी रिवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. उनसे भी वो पूरी तरह से अनअट्रैक्टेड थी, मतलब उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था. द डेथ ऑफ द पोइट वॉज कैप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स. पोइट की तो डेथ हो गई थी, लेकिन उसकी जो डेथ थी वो उसकी डेथ हुई थी, लेकिन उसकी पोएम्स की डेथ नहीं हुई थी, वो उससे अलग थी. बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ. लेकिन वो जो आफ्टरनून था वो उसका वैसे ही लास्ट आफ्टरनून था जैसे वो खुद लास्ट था उस दिन के लिए. एन आफ्टरनून ऑफ नर्स एंड र्यूमर्स. उस समय नर्स वर गोइंग हियर एंड देयर. नर्सेज भाग रही थी इधर उधर, र्यूमर्स थी, र्यूमर्स अबाउट हिज इलनेस. ऑल वर टॉकिंग अबाउट हिज इलनेस, सभी उसकी इलनेस के बारे में बात कर रहे थे. द प्रोविंसेज ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड.
प्रोविंसेस मीन्स होते किंगडम, उसके बॉडी का किंगडम ने उससे विद्रोह कर दिया था। इट मीन्स उसके जो सभी सेंस ऑर्गन्स थे, जो बॉडी थी, वो सभी उसका साथ छोड़ रही थी। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, स्क्वायर्स मीन्स पार्ट्स, उसके दिमाग के जो माइंड्स के पार्ट थे वो खाली हो गए थे। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब, सबर्ब मीन्स अदर एरिया आउटर पार्ट ऑफ द सिटी, तो उसके जो बॉडी के आउटर पार्ट्स थे वहाँ भी साइलेंस ने इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया था। द करेंट ऑफ हिज फीलिंग फेल्ड, ऑल द सेंसेज ऑफ हिज ऑल सेंसेज वाज गेटिंग बिनम्ड, है ना, वो सेंसेज जो थी वो नम होती जा रही थी। ही बिकेम हिज एडमिरर्स, अब वो खुद का ही एडमिरर बन गया। खुद का एडमिरर बनने का मतलब कि वो तो मर गया, वो तो पॉइंट तो डेड हो गया था, लेकिन नाउ ही विल बी रिमेंबर्ड बाय हिज रीडर्स, हिज एडमायरर्स, अपने एडमायरर्स, अपने रीडर्स के द्वारा वो याद किया जाएगा अपनी पोएट्री के थ्रू। नाउ ही इज स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज़, लेकिन वो मर गया तो भी वो अभी बहुत सी सिटीज़ में स्कैटर्ड रहेगा, फैला हुआ रहेगा, थोड़ा सा हाइपरबली का यूज़ है यहाँ। एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शन, और होली मतलब कम्प्लीटली उसकी पोएट्री दे दी जाएगी अनफेमिलियर अफेक्शंस का मतलब फॉरेन लेंस में, अनफेमिलियर लेंस में दे दी जाएगी। सभी उसकी पोइट्री को पढ़ेंगे 100 कंट्रीज़ में और उनको अफेक्शंस मिलेगा, प्यार मिलेगा सभी का। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड, और उसको अपनी खुशी अब किस में मिलेगी, एक नए तरह के जंगल में, मतलब कि नई नई जगह पर उसकी पोइट्री को अपने हिसाब से रीडर्स इंटरप्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। एंड बी पनिश्ड अंडर ए फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस, पनिश वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है दैट इट डिपेंड्स ऑन द रीडर्स मूड, रीडर के मूड पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसकी पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। सब अपने हिसाब से, कोड ऑफ कंसाइंस के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको समझेंगे। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन, उस डेड मैन के वर्ड्स को, पोइट्री को, आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, उनको अब नए तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। बट इन द इम्पॉर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो, लेकिन पोइट तो मर गया, लेकिन बट इन द इम्पॉर्टेंस का मतलब सबकी अपनी अपनी ऑन प्रॉब्लम्स होती है, उन वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में रहेंगे। नॉइज़ ऑफ टुमारो, कल की आवाज़ों में सभी बिजी अपनी बिजी लाइफ में सब चीज़ों को भूल जाएंगे। व्हेन द ब्रोकर्स आर रॉयरिंग लाइक बीट्स ऑन द फ्लोर, देखिए रॉयरिंग वर्ड है, ऑन मट पाया का एग्जाम्पल है ये, लाइक मतलब सिमली है यहाँ। व्हेन द ब्रोकर्स, जितने भी ब्रोकर्स है वो सभी बीस्ट के जैसे ब्राउज पर चिल्लाएंगे, अपने मतलब लेन देन कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना, बिजनेस एक्सचेंज होता है ब्राउज, वहाँ पर जाएंगे बिजनेस एक्सचेंज पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करेंगे, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता आया है। एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली अकस्टम्ड, कस्टम्ड मीन्स हैबिचुअल, पुअर उन सभी सफरिंग्स को अभी भी वैसे ही झेलते जाएंगे जैसे कि उनको आदत है हमेशा झेलने की, वो भी कंटिन्यू रहेगा। And each in cell of himself is almost convinced to his freedom. और हर इंसान isolated रहेगा, सबसे अलग रहेगा, कटा कटा, और खुद की freedom से संतुष्ट रहेगा, मतलब उसको freedom नहीं है, जितनी भी है उससे वो संतुष्ट रहेगा, है ना, सबसे अलग रहेगा, मतलब एक universal love का अभाव रहेगा, कमी है जो हमेशा रहती है, वो सब continue रहेगा। A few thousand will think of this day. केवल कुछ उसके followers है, जो उसके admirers है, केवल वही उसको याद करेंगे। As one thinks of a day when one did something slightly unusual, और उस इस दिन को ऐसे ही याद किया जाएगा जैसे कुछ थोड़ा सा unusual day को याद किया जाता है, जैसे किसी का birthday है, anniversary है, वैसे ही थोड़ी सी slightly unusual day की जैसे इस day को भी याद किया जाएगा। आप देखिए यहाँ first word जब दो line का same होता है then it is called anaphora, anaphora, है ना, यहाँ anaphora है। Then all the instruments agree the day of his death was a dark cold day. अगेन दिस दीज लाइन्स आर रिपीटेड हेयर, ये रिपीट हुई है, इस रिपीटेशन को बोलते हैं रिफ्रेन, ठीक है। स्टार्टिंग में भी ये दोनों लाइन रिपीट हुई थी, यहाँ फिर हुई है। फिर है यू वर सिली लाइक अस, यू वर सिली लाइक, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है यहाँ पर पॉइंट को कि तुम भी हमारी तरह से बड़ी मिस्टेक से, फॉलीज से भरे हुए थे, तुम में भी वीकनेस थी जैसे हम में है। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, लेकिन जो गिफ्ट तुमने दी है इस दुनिया को वो सर्वाइव करेगी, हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। The perish of rich women, physical decay, जो भी rich women है जो तुम्हें admire करती थी हमेशा, वो भी उनका भी मतलब विनाश हो चुका है, वो भी destroy हो चुकी है। सभी को physical decay के दौर से गुजरना पड़ता है, old age, disease, death, इन सभी से गुजरना पड़ता है। Yourself, mad island hurt you into poetry, तुम्हें भी इस दौर से गुजरना पड़ा
और आयरलैंड के लोगों ने तुम्हें काफ़ी, मतलब जब तुम जीवित थे तो काफ़ी परेशान किया, तुम्हें हर्ट किया था, और तुमने उसके एज ए पॉयट तुमने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, अपना बहुत सेक्रीफाइस दिया है। नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, लेकिन अब आयरलैंड तो वहीं की वहीं है। आयरलैंड का भी देखिए पर्सोनिफिकेशन है, हर आयरलैंड के लिए यूज़ हुआ, इसलिए आयरलैंड अभी भी अपने उन पागल लोगों के साथ, पागल पागल की जैसे, और इसी खराब वेदर के साथ यहीं है। लेकिन फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, लेकिन पोइट्री के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, नथिंग कैन अफेक्ट योर पोइट्री, तुम्हारी पोइट्री को कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता, इट सर्वाइव्स, वो तो अभी भी है, वो हमेशा जीवित रहेगी। इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग वेयर एग्जीक्यूटिव वुड नेवर वॉन्ट टू टेम्पर, उस वैली में जीवित रहेगी। किस वैली में? देखिए वैली बोल रहे हैं इनर सॉल, हमारी जो अंतरात्मा है वहाँ जीवित रहेगी, इनर सॉल ऑफ ह्यूमन बींग्स में अभी भी ये जीवित रहेगी। वेयर एग्जीक्यूटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पॉलिटिशियंस है, वो सब वुड नेवर वॉन्ट टू टेम्पर, वो कभी भी इंटरप्ट नहीं कर सकते। टेम्पर होता है इंटरप्ट, डिस्टर्ब, वो कभी भी तुम्हारी पोइट्री को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स की सॉल में घुसकर। इट फ्लो साउथ फ्रॉम रेंचेज ऑफ आइसोलेशन एंड अ बिजी ग्रीव्स, ये हमेशा वहाँ से बहती रहेगी, साउथ के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रेंचेज का मतलब कॉर्नर्स ऑफ आइसोलेशन, उस आत्मा के कॉर्नर से, हर इंसान के दिल से निकलेगी, मतलब तुम्हारी पोइट्री उनकी फीलिंग्स को टच करेगी ना, तो उनके बिजी ग्रीव्स का मीन्स यहाँ है जो मतलब हमेशा अनएंडिंग ग्रीव्स, ह्यूमन बींग्स के जो अनएंडिंग ग्रीव्स है, कभी ख़त्म ना होले, उनको टच करने वाली होगी, उनको टच करके वहाँ बहती रहेगी हमेशा। रा टाउंस दैट वी बिलीव एंड डाई इन, रा टाउंस को हमेशा फर्टाइल बनाती रहेगी इस दुनिया को तुम्हारी पोइट्री, और हम ऐसा हमारा बिलीव है, और यहाँ हम तो सब मरते वगैरह रहेंगे, मरते रहेंगे, बट तुम्हारी पोइट्री सर्वाइव करेगी, इट सर्वाइव्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। और ये क्यों सर्वाइव करेगी? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि तुमने ये लिखी है, बल्कि ये इसलिए सर्वाइव करेगी बिकॉज इन दिस, इन द वे यू हैव रिटन दिस, जिस तरीके से तुमने लिखी है ना, इसलिए ये सर्वाइव करेगी। ए माउथ का मीन्स अ लैंग्वेज, द आर्ट, द मैनर इन विच यू हैव रिटन द पोयम, जिस लैंग्वेज, मैनर, तरीके से, आर्ट से तुमने लिखी है, इसकी वजह से सर्वाइव करेगी। थर्ड पार्ट शुरू होता है, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, अर्थ को एक ऑनर्ड गेस्ट मिला, एक सम्मानित गेस्ट मिल गया। विलियम यीट्स इज लेट टू रेस्ट, विलियम यीट्स उसके अंदर रेस्ट कर रहा है। लेट द इरिश वैसल लाए, देखिए यहाँ मेटाफर का यूज़ है, उसको इरिश वैसल बोल रहा है, पोर्ट बोल, एक घड़ा था जो पोइट्री से भरा हुआ था, एम्प्टी ऑफ इट्स पोइट्री, ये अपनी पोइट्री सारी यहाँ खाली करके और अब पृथ्वी में सो गया है, जो अब खाली हो गया और पृथ्वी में सो रहा है। अर्थ का भी पर्सोनिफिकेशन है। टाइम दैट इज़ इनटॉलरेंट, टाइम का भी पर्सोनिफिकेशन है, टाइम जो कि इनटॉलरेंट है, जो केयर नहीं करता, किसी की भी परवाह नहीं करता, ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट, चाहे कोई कितना भी ब्रेव हो, चाहे इनोसेंट हो। देखिए ये ब्रेव भी थे बिकॉज ही फाउट फॉर हिज कंट्री, है ना, रिफॉर्म किए इन्होंने काफ़ी आइलैंड के लिए। इनोसेंट भी थे ये, क्लेवर नहीं थे पॉलिटिशियंस के जैसे, एंड इनडिफरेंट इन वीक टू बी फिजिकल ब्यूटीफुल फिजिक। और टाइम कैसा है? टाइम इनटॉलरेंट है, टाइम इनडिफरेंट है, टाइम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ब्रेव हो, इनोसेंट हो, एक वीक में ही क्या कर देगा, उसके ब्यूटीफुल फिजिक को ख़राब कर देगा, उसको डिकम्पोज कर देगा टाइम। वर्शिप्स लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स एवरीवन बाय होम इट लिव्स, पार्डन कोवाडियस कोवाडाइस कंसीट लेज इट्स ऑनर एट देयर फीट। वर्शिप्स लैंग्वेज मतलब समय के द्वारा या लोगों के द्वारा उस लैंग्वेज की पूजा की जाती है, जिस लैंग्वेज में कोई पोइट्री रिटन होती है, जिस लैंग्वेज में पोइट्री लिखी जाती है, जो लोगों के दिलों को टच करती है। एंड फॉरगिव्स, और वो सभी जो भी अदर फॉल्ट्स होते हैं उनको माफ़ कर देते हैं। एवरीवन बाय होम इट लिव्स, हर किसी के द्वारा, मतलब जो भी पोइट्री को जीता है, लिखता है, उसके द्वारा बाकी फॉल्ट्स को माफ़ कर दिया जाता है। पार्डन्स को वायडाइज मतलब कायरता को, कंसीट को, अदर फॉल्ट्स यदि पोइट्री में होती है, लेज इट्स ऑनर एट देयर फीट, तो भी ऑनर उसको सम्मान मिलता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच द पोइट्री इज रिटन। टाइम दैट विद दिस स्ट्रेंज एक्सक्यूज पार्डन किपलिंग एंड हिज व्यूज, किपलिंग वॉज ऑल्सो ए ग्रेट राइटर, तो समय ने इसी एक्सक्यूज़ के कारण, इसी बहाने, यही बहाना बनाकर कि मैनर ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा है, यही बहाना बनाकर किपलिंग को माफ़ कर दिया था, जबकि किपलिंग काफ़ी एग्रेसिव था, तो भी उसके व्यूज़ की वजह से उसको माफ़ कर दिया। इसके अलावा पार्डन पॉल क्लैडोल को भी माफ़ कर दिया था, ही वॉज ऑल्सो कह सकते एग्रेसिव था, उसने स्पेनिश सिविल वार में गलत साइड का फेवर लिया था, तो भी ही वॉज पार्डन बाय द टाइम बाय द पीपल बिकॉज ही पार्डन्स हिम फॉर रिटन वेल, राइटिंग वेल, क्योंकि इसने बहुत अच्छा ब्यूटीफुली रिटर्न किया था।
इन द नाइट मेयर ऑफ, थोड़ा सा अब ये क्या है कि बेसिक थीम से डाइवर्ट हो जाता है ऑर्डन. इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क एंड द लिविंग नेशंस अवेट ईच स्क्वेटेस्ट स्क्वेस्टर्ड इन इट्स हेट. देखिए नाइट मेयर ऑफ द डार्क मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वार की कंडीशन बता रहा है कि सभी जगह हॉरर का टेरर का एटमोसफेयर है. नाइट मेयर ऑफ द डार्क रात के अंधेरे में सभी को डरावने सपने आते हैं. ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क जितने भी फाइटर्स हैं यूरोप के वो बार्क कर रहे हैं. मतलब डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क का मतलब सभी फाइटर्स फाइटिंग कर रहे हैं, मिलिट्री वगैरह फाइट कर रही है, यहाँ भी मेटाफर है. एंड द लिविंग नेशन वेट और हर नेशन वेट कर रहा है इसका कि हमारे साथ कि शांति हो जाए, ऐसा कुछ भी ना हो. इज सिक्वेस्टेड, सिक्वेस्टेड का मतलब होता है आइसोलेटेड इन इट सेट्स. हर कोई अकेला है, आइसोलेटेड है अपनी अपनी नफरत की वजह से. सब अलग अलग है, एक दूसरे से सेपरेट है. यूनिवर्सल लव की भावना की बहुत कमी है. इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस. इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस का मतलब होता है कि लव और अफेक्शंस का एब्सेंस होना, कमी होना, लोगों में लव और अफेक्शन की जो कमी है स्टेयर्स फ्रॉम ईच फेस ह्यूमन फेस वो हर चेहरे से दिखाई दे रही है. एंड द सीज ऑफ पिटी लाई और जो एक समुद्र था आंखों में दया का लॉकड एंड फ्रोजन इन ईच आई. यहाँ देखिए हाइपरबली का यूज़ भी है, वो अब क्या हो गया, जम गया है. जो एक समुद्र था ना हर आँख में जो सिंपैथी और लव की फीलिंग थी वो जम चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है. फॉलो पॉयट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट. तो अब हमें इस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए, राइट पाथ को फॉलो करना चाहिए, मतलब कि लाइट ऑफ नॉलेज को फॉलो करना चाहिए टू द बॉटम ऑफ द नाइट. नाइट का मतलब इग्नोरेंस, इस इग्नोरेंस से हमें अब लाइट की तरफ जाना चाहिए. इस पॉइंट ने जो हमें रास्ता दिखाया उस पर चलना चाहिए. विथ योर अनकॉन्स्ट्रेनिंग वॉइसेज स्टिल परसुएड अस टू रिजस्ट. तुम्हारी जो अनकॉन्स्ट्रेनिंग मतलब जो फ्रीली तुमने जो अपनी वॉइस लिखी है, अपनी पोयम लिखी है, जो कि अभी भी ऐसे माहौल में भी हमें हैप्पीनेस दे जाती है, तो हमें भी पोइट के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, इस डार्कनेस से निकलना चाहिए. क्योंकि पोइट्री में काफ़ी ताकत बताई है इसने. विद द फ्रेमिंग ऑफ वर्स मेक वाइनयार्ड टू द कर्स. देखिए वाइनयार्ड टू द कर्स का मतलब होता है हु विच कैन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है कर्स को ब्लेसिंग्स में, है ना, कुड टर्न ए कर्स इनटू ए वाइनयार्ड ऑफ ब्लेसिंग. तो विद द फ्रेमिंग ऑफ वर्स पोइट्री लिखकर कोई भी पोएट किसी भी कर्स को वाइनयार्ड में, ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकता है. सिंग टू ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस. ह्यूमन अनसक्सेस को भी काफ़ी हैप्पीनेस में गाकर और ऐसे माहौल में भी एक तरह से रिजॉइस कर सकता है. इस वार की कंडीशन में भी एक कुछ कंसोलेशन दे सकता है, कंसोल कर सकता है ह्यूमन सॉल को पोइट्री. सो इन द डेजर्ट ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट. ये जो हमारी फीलिंग्स डेजर्ट हो गई है, हार्ट में ड्राई हो गई है सभी फीलिंग्स, और जो सिंपैथी और लव हार्ट से चला गया है उसमें एक हीलिंग फाउंटेन बोल रहा है ये सिंपैथी और लव को, तो क्यों ना वो फाउंटेन बहने दिया जाए. पोइट्री को पोइट की लिखी उस पोइट्री को पढ़ा जाए, उससे हमारी वापस से इमोशंस हमें आए, फीलिंग्स आए. इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज. प्रिजन ऑफ हिज डेज का मतलब यहाँ मतलब है मैन हैज़ बिकम प्रिजनर ऑफ हिज ओन सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड. अपने खुद के सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड का हर इंसान प्रिजनर बन चुका है, कैदी बन चुका है. तो उसको पढ़ाएं ये कि फ्री मैन कैसे एक दूसरे की प्रेज करते, कैसे एक दूसरे इस यूनिवर्सल लव की भावना उनमें जगाए ना, डिस्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स उसको कुछ ह्यूमैनिटी की भावना पढ़ाई जाए. तो अब इसका थोड़ा सा लिटरेरी डिवाइसेस पे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए एक तो इसमें एंजेबमेंट का यूज़ है, ई एन जे ए बी एम ई एन टी. एंजेबमेंट का मतलब ये होता है व्हेन वी आर फोर्स्ड रीडर्स आर फोर्स्ड डाउन टू द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट क्विकली. मतलब बिना कोई पंचुएशन मार्क्स के नेक्स्ट लाइन में पोएम आ जाती. जैसे यहाँ राइट के बाद कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं है, सीधा नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया. इस तरह से कई जगह ऐसा एंजेबमेंट देखा गया है. उसके बाद अल्यूजन्स का यूज़ किया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वार के अल्यूजन का जैसे यूज़ किया गया है, ठीक है. ट्रेजेडी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार इसमें शो करी गई है, और जो ग्रेट वर्क्स यीट्स के द्वारा किए गए थे वो भी अल्यूजन है, है ना. अल्यूजन का एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि एक स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट उसमें प्रेजेंट किया जाता है, एल्यूड किया जाता है उसको. अच्छा कई जगह एलिट्रेशंस आए हैं इसमें. और हाँ एक चीज़ और है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की कोई राइम स्कीम फिक्स नहीं है, लेकिन थर्ड पार्ट की इसकी राइम स्कीम बनती है. मोस्ट प्रोबेबली द राइम स्कीम इज़ ए ए बी बी सी सी डी डी, इस टाइप से बनती है. जैसे उसके बाद जेक्स्टा पोजिशन का यूज़ किया गया है इस लाइन में जैसे, बट
कि जब वो आफ्टरनून के टाइम में मर रहा था दैट टाइम, तो उसमें द ह्यूमन बिल्ट इमेजेस आर जक्सटापोज्ड अगेंस्ट द मोर नेचुरल इमेजरी इसमें दी गई है कि उसके शरीर का किंगडम उसमें बताया गया है, और उससे फर्स्ट वाले प्रीवियस स्टैंजाज में ह्यूमन बींग्स वाले जो बिल्डिंग स्टैचूज थे उनमें बर्फ जम रही थी, तो थोड़ा सा जक्सटापोजिशन का यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और थीम इसकी डेथ की थीम है, एलिजी है क्योंकि ये एक तरह की DEATH। ओके, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।